Hello everyone, in today's video I explain the page number 5 in assignment and the heading is solve the word problems. Okay, now here the word problems I give you how many 5 on this page number 5 and another 3 is on page number 6. I am only solve here 3 word problems because I want to do you do yourself the word problems. Okay, आपको मैं जो ये एग्जाम्पल्स है वो आप खुद कर सको इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट में ये दिए है. दूसरा कि मैं इसमें से आपको एक्सप्लेन सारे कर दूंगी. ओके, हर एक रीड करके उसको हर एक डिस्क्रिप्शन भी आपको समझा दूंगी पर आपको उसको लिखना खुद पड़ेगा. ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट वन. अ बलून सेलर हैज 362 रेड बलून्स एंड 252 ग्रीन बलून्स. बलून सेलर है मतलब बलून बेचने वाला है, उसके पास 362 रेड बलून्स है एंड 252 ग्रीन बलून्स है. हाउ मैनी बलून्स डज ही हैव इन ऑल. हियर इन अ क्वेश्चन ऑल इज कम. ओके, क्वेश्चन में ऑल आया मतलब क्या करना है हमें, यस एडिशन करना है. अब एडिशन के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करना है. ओके, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट डाउन द इनिशियल लेटर ऑफ द प्लेसेस. तो फर्स्ट एग्जांपल आई विल डू हियर एच टी ओ 110s 1s. द फर्स्ट नंबर इज 362. बैक साइड वी राइट डाउन हियर द डिस्क्रिप्शन रेड बलून्स. ओके, प्लस ऑल है इसलिए हम प्लस करेंगे, प्लस 252 ग्रीन बलून्स. 252 ग्रीन बलून्स एंड देन यू एड दिस टू नंबर एंड व्हाट वी राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडिशन, टोटल बलून्स. व्हाट वी राइट, टोटल बलून्स. ओके, नाउ एडिशन यू नो वेरी वेल राइट. वी स्टार्ट अवर एडिशन फर्स्ट फ्रॉम येस वंस प्लेस 2 + 2 = 4. देन टेंस प्लेस एडिशन 6 + 5 येस 11. वन कैरी वन ऑन 100 प्लेस. 3 + 1 = 4. 4 + 2 = 6. टोटल हाउ मेनी बलून्स ही हैज, 614. Now you write down hence here, otherwise here also. So I'm writing here only has, hence he has 614 total balloons. Okay, this way if the addition example is given in this assignment, you need to solve yourself. Okay, already if you watched my video of the notebook word problems, in that also I gave you some addition examples and the some subtractions word problems. Okay, and I already solved that. Now the next one, second one is Rahim bought 525 eggs for his bakery. जो रहीम है bought मतलब buy, जो buy buy है उसका past form है. रहीम ने अपनी bakery के लिए 525 eggs खरीदे थे. 138 ऑफ दिस एग्स ब्रोकन. ब्रोकन मतलब टूट गए थे. ब्रोकन भी जो ब्रेक है उसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल हुआ. ओके, तो 138 ऑफ दिस एग्स ब्रोकन, इतने टूट गए थे. हाउ मैनी एग्स आर लेफ्ट, कितने लेफ्ट रहे, कितने बाकी रहे. ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. ओके, तो यू नो दैट वेरी वेल, 525 बाजू में इन असाइड यू शुड राइट डाउन एग्स, टोटल एग्स माइनस 138 एग्स ब्रोकन एंड सब्ट्रैक्शन लाइन करनी है. आंसर के बाजू में लिखेंगे लेफ्ट एग्स और हैंस कर देना है. ओके, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, देन यू कैन राइट डाउन योर सेल्फ, इट इज इन अ होमवर्क. नाउ द थर्ड वन, इन अ लाइब्रेरी देर आर 406 इंग्लिश बुक्स, 431 हिंदी बुक्स एंड 142 मैथमेटिक्स बुक्स. हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अ लाइब्रेरी. अब आपको पता है, आप लोग हमारी लाइब्रेरी में भी ही जाते हो, स्कूल की लाइब्रेरी जो है उसमें आपने देखी होगी कि बहुत सारी बुक्स हैं.
उसमें स्टोरी बुक्स भी है, इंग्लिश बुक्स भी है, इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक है, हिंदी की बुक है. तो दैट इज ऑल बुक्स आर टूगेदर एंड टूगेदर मीन सभी बुक्स को मिला के कितनी हुई, मतलब क्या करना है, एडिशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन हियर 100 टेंस वंस, अरेंज द नंबर एंड ईच नंबर आफ्टर यू शुड राइट डाउन इट्स डिस्क्रिप्शन. ओके, एंड देन आफ्टर इन आंसर यू शुड राइट डाउन टोटल बुक्स. हैंस देर, हैंस क्या लिखेंगे, देर आर वट एवर द आंसर यू गेट दैट बुक्स इन अ लाइब्रेरी. ओके, तो दिस इज आई ऑल्सो गिव यू इन अ होमवर्क. द फोर्थ वन, इन एन ऑर्चिड देर आर 387 मैंगो ट्री एंड 364 ऑरेंज ट्री. अब ऑर्चिड मतलब एक जो गार्डन जैसा, एक मीन्स उसको क्या कहते हैं कि जैसे कोई फार्म है और वैसा है, वहाँ पे 387 मैंगो के ट्रीज है और 364 ऑरेंज के ट्रीज है. हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चिड. अगेन आपको ऐसा पूछा कि वो जो ऑर्चिड है उसमें कितने ट्रीज है ऑरेंज और मैंगो को मिला के. तो यू हैव टू डू हियर अगेन एडिशन. ओके, तो यू शुड राइट डाउन ऑल्सो डू विथ योर सेल्फ. ओके, वॉट यू राइट, 100 टेंस वंस, 387 मैंगो ट्री प्लस 364 ऑरेंज ट्री. लाइन करनी है, नीचे लिखना है टोटल ट्रीज. हैंस देर आर वट एवर द आंसर यू गेट ट्रीज इन द ऑर्चिड. ओके, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है. नाउ द फिफ्थ वन, मुक्ता हैज अ बुक विथ 400 पेजेस. एक लड़की है मुक्ता जिसके पास एक बुक है जिसमें 400 पेजेस है. शी रीड 132 पेजेस यस्टरडे. उसने कल मतलब जो चला गया उस दिन में उसने 132 पेजेस पढ़ लिए हैं. हाउ मैनी पेजेस आर स्टिल टू बी रीड. कितने पेजेस रीड करने बाकी अभी रहे हैं. उसने सिर्फ 400 में से सिर्फ 132 ही पढ़े हैं. मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, यस सब्ट्रैक्शन. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन 100 टेंस वंस, 400 वी राइट और वी राइट टोटल पेजेस माइनस 132 पेजेस रीड. ओके, एंड फ्रॉम दैट दिस मच पेजेस आर लेफ्ट और यू कैन राइट डाउन स्टिल रीड लेफ्ट. ओके, उस तरीके से, पर आर लेफ्ट इट इज इजी फॉर यू. नाउ द सब्ट्रैक्शन वी शुड स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस, यस वंस प्लेस. हियर द वंस प्लेस इज 0 माइनस 2. इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, नो. तो व्हाट वी डू, वी डू हियर बोरो फ्रॉम दिस टेंस प्लेस, बट द बोरो इज हियर 0. तो 0 कांट गिव एनीथिंग. तो वी गो अहेड ऑन अ 100 प्लेस. 4 कट एंड वी राइट हियर 3, बोरो 10, एड इन दिस 0, देन वी गेट 10. नाउ फ्रॉम दिस 10 वी गेट, देन वी राइट हियर 9 एंड एड 10 हियर. ओके, ऐसे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन आगे किए हैं असाइनमेंट में ही. 10 माइनस 2 वी गेट 8, 9 माइनस 3 6 एंड 3 माइनस 1 2. हैंस वी राइट हियर असाइड, हैंस 268 पेजेस आर स्टिल टू बी रीड, स्टिल टू बी लेफ्ट टू रीड. ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. नाउ इन द पेज नंबर 6, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन द स्कूल देर आर 982 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच 509 आर बॉयज. हाउ मैनी गर्ल्स आर देर इन द स्कूल. स्कूल में कितनी गर्ल्स है. टोटल बच्चे 982 है, उसमें से बॉयज दे दिया. अब हम क्या करेंगे, गर्ल्स को नंबर जानना हो तो सब्ट्रैक्शन करेंगे. व्हाट यू राइट, 100 टेंस वंस, 982 चिल्ड्रन टोटल चिल्ड्रन माइनस 509 बॉयज. लाइन गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स और यू कैन राइट डाउन ओनली गर्ल्स. एंड हैंस देर आर
blank means in answer you can write down whatever answer you get of the subtraction. Girls in the school. Okay, 7. It is very important. उसके बाद क्या आपको ही करने हैं? The sum of the two number is 840. दो नंबरों का सम 840. अगर एक नंबर उसमें से 426 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अब ऑलरेडी आपको एडिशन दे दिया है और उसमें से एक नंबर दिया है, तो अब जब हम ये बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें दूसरा नंबर मिलेगा. तो व्हाट यू राइट, 100 टेंस वंस 840 माइनस 426. हियर ऑल्सो यू नीड टू राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन. हियर इट इज अ सम एंड हियर इट इज द वन ऑफ द नंबर. सम यू कैन ऑल्सो राइट डाउन सम ऑफ टू नंबर्स. थोड़ा बड़ा लिखोगे डिस्क्रिप्शन, अगर आपको जैसे समझ आए वैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, पर डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है. वन ऑफ द नंबर, नाउ यू नो द सब्ट्रैक्शन एंड हियर यू कैन राइट डाउन अदर नंबर. ओके, नाउ फॉर द सब्ट्रैक्शन वी नो दैट वी स्टार्ट अवर सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम वंस प्लेस. नाउ 0 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, देन बोरो फ्रॉम हियर. हियर वी राइट 3, वी एड 10 इन दिस 0, वी गेट 10. 10 minus 6, 4. 3 minus 2 is possible. So we write 1 and 8 minus 4, 4. Okay, so what we write here? Hence, the other number is 414. Okay, the other number is 414. Now the last one. A school has 638 students. School में 638 students है. 237 new admissions join the school. दूसरे 237 बच्चों ने new admissions बच्चों ने लिया है. School joined की है. How many students are there in the school now? अब school में कितने बच्चे है? Okay, अभी कितने हैं? पहले थे 638, उसके बाद और इसमें 237 के admissions हुए. तो व्हाट वी डू प्लस, व्हाट यू राइट, 600 फर्स्ट 100 टेंस वंस 638 स्टूडेंट्स प्लस 237 न्यू एडमिशंस एंड लाइन टोटल स्टूडेंट्स. हैंस देयर आर आंसर स्टूडेंट्स इन द स्कूल. जो भी आपका एडिशन का आंसर आए वो आपको स्टूडेंट्स के आगे लिख देना है. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आप खुद ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने होमवर्क में दिए हैं वो खुद कर पाओगे. और आई होप यू ऑल आर टेक आउट द प्रिंट ऑफ द असाइनमेंट एंड यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस. थैंक यू.